8th। एक्सक्यूज मी सर, सर क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट आपको क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल मोर आपको बनाना है, मोर। अब इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है? आपको दिया हुआ एम ओ 6 सेंटीमीटर, ओ आर आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एम आपको दिया है 60 डिग्री, एंगल ओ आपको दिया है 105 डिग्री और एंगल आर आपको 105 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको वैल्यूज दी हुई है। आप कैसे करोगे? आप एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लोगे इस तरह से, जैसे हम हमेशा बनाते, नाम लिख लो एम ओ। अब ये ओ आर नीचे है ना, तो ओ आर 4.5 सेंटीमीटर, एम ओ 6 सेंटीमीटर, एम ओ आर ई, ऐसे मैंने बताया था ना लाइन से नाम चलना है। अब एम ओ की वैल्यू 6, तो ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओ आर की वैल्यू ये 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एम 60, ये एंगल 60 डिग्री। ओ 105, ये वाला एंगल 105 डिग्री और आर 105, ये भी 105 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्ट एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एम ओ बना लो 6 सेंटीमीटर का, ये वाला, ये लाइन, ये। फिर सेकंड, फ्रॉम पॉइंट एम, पॉइंट एम, एम से या एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम ड्रॉ एंगल ई एम ओ इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल बनाना आपको ई एम ओ 60 डिग्री, या इस साइड को लंबा सा सोच लो ऐसे ही। फिर एट ओ, एट पॉइंट ओ ड्रॉ एंगल एम ओ आर इक्वल टू 60 डिग्री, एम ओ आर, सच दैट कुछ इस तरह से कि ओ आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर हो। ये सब थर्ड लगा लो। फोर्थ, एट आर, आर पॉइंट पे ड्रॉ ओ आर ई, एंगल ओ आर ई इक्वल टू 105 डिग्री। ये एम ओ आर 105 होगा भाई, 60 नहीं है, 105 डिग्री है। ये बनाएंगे कैसे देखना। सबसे पहले आप एम ओ बनाओगे ऐसे, मैं रफ बनवा रहा हूं दोबारा, बाद में फिर बनाऊंगा। एम ओ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप करोगे क्या? आप यहाँ पॉइंटर रखोगे, कार कैसे लगा दोगे? जितने रेडियस की लगाई यहाँ रख के उतना ही कट फिर लगा दोगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ये एंगल हो गया 60। इसे बढ़ा दो, इस पॉइंट को कहीं नाम मत दो अभी। फिर ओ पे 105 का कैसे बनता है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम ये एंगल बनाना सीखोगे। सेवेंथ क्लास में और नाइन्थ क्लास में दोनों एंगल्स के ऊपर अलग एक्सरसाइज है। यहाँ 105 कैसे बनेगा? पहले आप 90 बनाओ। 90 कैसे? यहां से एक आर्क, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी, इससे ऊपर और इससे ऊपर, ये 90 डिग्री बनेगा।
और ये 60 है, ये 120 है, तो 90 और 120 के दोनों पॉइंट से एक एक आर्क कैसे लगाओगे और इन्हें जो इसे ज्वाइन कर दोगे इसे इस पॉइंट से, ये ऐसे एक्चुअली ये अब 105 है। कैसे, ये 90 था और इससे आगे 30 बचा था, 30 का आ रहा है ये 15 था, ये 90, तो 90 प्लस 15 105 हो गया। अभी फेयर बना के दिखाऊंगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ओ के बाद 4.5 सेंटीमीटर पे आप एक कट लगा लोगे और उस पॉइंट को आर का नाम दे दोगे। यहाँ पे फिर 105 डिग्री का बनाओगे और सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ से सीधी स्ट्रेट, जहां ज्वाइन हुआ वो पॉइंट आपका ई है, जहां ज्वाइन होता है वो पॉइंट आपका ई है। अब फेयर करते हैं इसे। फेयर में सबसे पहले स्केल ले लो, आप स्केल लो, पेंसिल लो, सारे काम आपको करने हैं। देखो ये एम ओ 6 सेंटीमीटर, तो जीरो के सामने आप पॉइंटर से ये देखो, इस ये यूज करो, जीरो के सामने आप ऐसे हल्का सा डिप्रेशन बनाओ, 6 के सामने बनाओ और फिर पेंसिल से दोनों ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं एक में डालो और दूसरे तक पहुंचाओ और दूसरे के अंदर डिप ऐसे जाना चाहिए। नाम लिखो एम ओ, फिर यहां से 60 डिग्री, 60 डिग्री में आप ये लो, इसे थोड़ा सा खोलो, इसको ये छेद इसलिए बना था बार बार चेंज ना हो जाएगा, बिना ज्यादा दबाव दिए इसमें अटका दो और एक आपने आर्क बना लेनी है। जहां ये आर्क ने इसको काटा, इसको बिना चेंज किए, इसको चेंज नहीं करना, सेम उतना ही रखना जितना पहले हमने लिया था। और अब इस कट पे, कौन से वाले कट पे, इस वाले कट पे जाएंगे, लाइन आर्क ने इस लाइन को कट किया, यहां निशान लगा लो ऐसे, पॉइंट दिख रहा होगा, इस कट को लगा था और यहां हमने एक आर्क लगा दी इस तरह से। ये हमारे पास ये कट आ गया, ये समझ में है ना, ये आर्क उतनी सेम रेडियस की। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। पॉइंट को ज्वाइन करने का मेथड क्या, पेंसिल यहां रखो इस छेद में, स्केल को उसके साथ लगा लो टाइट करके, बिल्कुल रिलैक्स करके, फिर पेंसिल दूसरे छेद में, स्केल को वहां से भी साथ में लगाओ, फिर यहाँ दोबारा रखो, फिर स्केल को साथ टच करो, 2-3 बार इस तरह से टच करना है और फिर ऐसे ज्वाइन करते हुए लाइन डालो, लाइन एक छेद में से दूसरे छेद में जाते हुए फिर आगे निकलनी चाहिए इस तरह से। ये 60 डिग्री का एंगल है आपका, यहाँ पे 105 डिग्री का बनाना है, तो कैसे बनेगा 105 का, ये निशान ये लिया हमने। अब इसमें ये हो चुका, अब इसे बेशक चेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा कुछ भी, लेकिन एक ही बार करोगे और ना करो तो ऐसे ही ठीक है। और ये आप यहाँ पे आर्क लगा लोगे, थोड़ी बड़ी आर्क इस बार, पहले इस कट पे फिर निशान लगाओ, यहाँ पे जो फर्स्ट कट लगा रहे हो आप ऐसे, ये 60 डिग्री का बना है, यानी यहां से यहां तक 60, फिर इस पे निशान लगाओ, यहां से आगे 120, ये 120 का बना है, तो ये 60, यहां से इसे ज्वाइन करेंगे 60, से ज्वाइन करेंगे 120, लेकिन हमें पहले 90 का बनाना है, तो 90 60 और 120 का हाफ होता है। इसी एंगल को हाफ कैसे करते हैं, दोनों पॉइंट से निशान लगा लेते हैं ऊपर, इससे भी इधर निशान लगा लिया और इससे भी इधर निशान लगा लिया, तो कहां पॉइंट आया, ये इस पॉइंट को इस बेस वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 90। लेकिन हमें 90 नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए 105, तो 90 और 120 का जो मिड होता है, क्योंकि इनके बीच में 30 का गैप है, 30 का 15, तो ये होता है 105, इनका मिडल 90 और 120 का मिड पॉइंट 105 होता है, तो हम क्या करेंगे,
90 वाला पॉइंट कहाँ है? इसी आर्क पे होंगे सारे पॉइंट, 90 वाला पॉइंट ये है। तो अब इस 90 वाले पॉइंट और इस 120 वाले पॉइंट को हाफ करना है, तो इनके बीच में निशान लगेगा कैसे? सेम, इस पॉइंट से इनके बीच में कहीं ऐसे ऊपर निशान लगा लो और इस पॉइंट से लगा लो, दोनों जहां भी कटते हैं कहाँ कटते हैं? यहाँ। इसको जब इस जो बेस से मिलाओगे तो ये अब आपका बन जाएगा 105। तो ये हमारे पास हो गया 105। लेकिन हमें 105 में से कितना सेंटीमीटर चाहिए? हमारा ये था OR 4.5 सेंटीमीटर, तो ये 4.5 पे निशान लगाओ, ये 4.5 और ऊपर गए हम एक पॉइंट यहाँ 4.5 के सामने और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ ये, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास R और अब ये हो गया 4.5। अब R पे फिर आपको 105 का बढ़ाना है, सेम प्रोसीजर जो सारा यहाँ किया था वही दोबारा वहां करेंगे। ये लिया इधर से एक बड़ी आर्क, यानी पहले तो 90 बनाएंगे, 90 का मेथड क्या है, ये बड़ी आर्क, पहले वाली आर्क से एक कट, फिर इससे नेक्स्ट कट, तो पहले कितना बना 60, अब कितना बना 120, तो 0 60 120, 60 और 120 को हाफ करेंगे तो कितना बनेगा 90 वाले को ज्वाइन करेंगे पॉइंट ढूंढ लिया हमने कौन सा पॉइंट है, ये वाला, तो ये 90 और ये 120, 90 और 120 को हाफ करेंगे तो 105 बनेगा। हाफ करने का मेथड हमें पता ही है, 90 से भी आर्क लगा लेंगे और 120 से भी आर्क लगा लेंगे, दोनों कहाँ कटती हैं, यहाँ इस बेस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, बेस वाला पॉइंट कौन सा था, ये, इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पे कट करके, कौन से वाला, ये बिल्कुल लाइन पे जो टच कर रहा है पहले पॉइंट से थोड़ा सा इधर आया है, ये अब आपका पॉइंट क्यों, कौन सा, एम ओ आर ई। अब आप देखोगे ये कितना बनाया था 60, ये कितना बनाया था, ये पूरा 105, ये पूरा कितना बनाया था, ये भी 105 बनाया था, ये साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर, आपका ट्रायंगल बन गया है। अब 105 में 105 प्लस करो और इसमें 60 प्लस करो, कितना आ जाता है 270, टोटल एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360, इसमें से 270 माइनस करो 90 डिग्री बचता है, तो ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसे मेजर करके चेक कर सकते हो कि एंगल ये कितना है आपके पास 90, देखने से भी दिखाई दे रहा है कि परपेंडिकुलर है, ये स्केल को ऐसे लगा के देख लो, एक लाइन स्केल के इस साइड पे और एक लाइन इस साइड पे है, ये रफली एस्टिमेटेड है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये 90 अपने आप बन गया, हमने तो नहीं बनाया ना, चारों एंगल का सम 360 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल आपके क्या बने हैं, बिल्कुल सही बने हैं, क्लियर है।